न्यूक्लियर रिएक्शंस इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो न्यूक्लियॉन्स या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियंस के बीच होती है या न्यूक्लियंस और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियंस व न्यूक्लियस के बीच होगी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट न्यूक्लियस और प्रोडक्ट न्यूक्लियस में अंतर होता है दो सबसे कॉमन न्यूक्लियर रिएक्शन हैं फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन फिजन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई होता है और दूसरी तरफ फ्यूजन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस होता है एक सिंपल जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ए प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस क्यू जहाँ बिगर ए टारगेट न्यूक्लियस है स्मॉलर ए इंसिडेंट पार्टिकल बिगर एक्स प्रोडक्ट न्यूक्लियस स्मॉल एक्स आउटगोइंग पार्टिकल क्यू क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है ए प्लस ए को रिएक्टेंट कहते हैं और एक्स प्लस एक्स को प्रोडक्ट कहते हैं एक बैलेंस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स होता है जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके से बैलेंस्ड होती है पहली रिएक्टेंट के मास नंबर का सम प्रोडक्ट के मास नंबर के सम के बराबर होता है और दूसरा रिएक्टेंट्स के चार्ज का सम प्रोडक्ट के चार्ज के सम के बराबर होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में यदि किसी एक न्यूक्लियस का मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता ना हो तो हम इक्वेशन को बैलेंस करके उसे पता लगा सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेट एनर्जी इन्वॉल्व नेट एनर्जी जीरो है या वह रिएक्शन है जिनमें क्यू जीरो होता है यह रिएक्शन इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन भी कहलाती है नेट एनर्जी इज पॉजिटिव यह वह रिएक्शन होती हैं जिनमें क्यू पॉजिटिव होता है इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं नेट एनर्जी इज नेगेटिव यह वह रिएक्शन है जिनमें क्यू नेगेटिव होता है इन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ड्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन हो सकती हैं एल्फा पार्टिकल इंड्यूस रिएक्शन हो सकती हैं इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इंड्यूस रिएक्शन हो सकती हैं नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व स्कैटरिंग स्कैटरिंग रिएक्शन वह रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह ही होते हैं यह इलास्टिक और इन इलास्टिक दो तरह की होती है इलास्टिक स्कैटरिंग में प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट की तरह होंगे और उनकी कनेक्टिक एनर्जी भी समान होगी अर्थात Q जीरो होगा इन इलास्टिक स्केटरिंग वह रिएक्शन हुए जिनमें प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट की तरह होंगे परंतु प्रोडक्ट की कनेक्टिक एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है अर्थात Q नेगेटिव होता है एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पर O के ऊपर आप देख रहे हैं स्टार बना है मतलब O एक्साइटेड लेवल पे है यहां पर जो कुछ भी करेंट एनर्जी कम हो रही है वो ऑक्सीजन को एक्साइट करने में खर्च हो रही है ट्रांसमोटेशन। ट्रांसमोटेशन वह रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से डिफरेंट होते हैं टारगेट में कुछ यूनिट का ही मास चेंज होता है स्ट्रिपिंग रिएक्शन स्ट्रिपिंग रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्स के इंट्रेक्शन के कारण टूट जाते हैं एक हिस्सा टारगेट न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है और दूसरा हिस्सा अपने रास्ते पर ही आगे चला जाता है यह प्रोसेस अक्सर ड्यूट्रॉन में होती है क्योंकि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है पिकअप रिएक्शन पिकअप रिएक्शन वह रिएक्शन है जो कि स्ट्रिपिंग रिएक्शन की इनवर्स प्रोसेस है इस प्रोसेस में इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लेता है एक फास्ट न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस से न्यूक्लियोस को पिक कर लेगा और ट्राइटियम के रूप में आगे चलता रहता है यह एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्पेलेशन रिएक्शन स्पेलेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें टारगेट न्यूक्लियस से पार्टिकल के अमीशन के कारण प्रोडक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म होता है यानी कि वह रिएक्शन जिसमें टारगेट न्यूक्लियस से पार्टिकल का एमिशन होगा और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म होगा इसे हम स्पेलिशन रिएक्शन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन बहुत ही हाई एनर्जी प्रोसेस है जिसमें टारगेट न्यूक्लियस छोटे फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है फिजन रिएक्शन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियस कंपरेबल मास के न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को समझा यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें थैंक यू धन्यवाद